तो आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरी एक नई कैंपिंग वीडियो में और एक ग्रुप कैंपिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जिंदगी के मजे ले रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। तो आज हमारे साथ हैं राहुल भाई और साथ में हमारे दीपांशु भाई साहब हैं और ये है हमारे रोहित भाई बगल में, देखिए। हेलो हेलो। तो रोहित भाई तो काफी टाइम से कह रहे थे मेरे से, भाई कैंपिंग चलते हैं। तो इनके यहाँ भी गया था मैं एक बार कैंपिंग के लिए, लेकिन इनको बुला नहीं पाया था क्योंकि उस टाइम पे मेरे साथ कोई और था कैंपिंग पे। तो आज कैंपिंग को एंजॉय करने वाले, टाइम कितना हो रहा पता है, 9 बजने वाला और हम लोग कैंपिंग में आए हुए हैं और जंगल के बीचों बीच। तो आज एंजॉय करने वाले हैं, फन करने वाले हैं, कैसा राहुल भाई? बिल्कुल, पहला एक्सपीरियंस है इन दोनों का, राहुल और हमारे रोहित भाई का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की कैंपिंग वीडियो, फटाफट से बॉनफायर जलाते हैं, उसके बाद मिलता हूं आपसे, ठीक है? देखो हमारे दोनों भाई यहां पे आग जला रहे हैं, यहां पे जलाएंगे आग और यहीं पे चूल्हा बनेगा। और यहां पे जहां पे आप लोग ये चेयर वगैरह देख रहे हैं ना, यहां पे ये चेयर की जगह यहां पे हम लोग टेंट लगाएंगे। नीचे कितनी घास है यार इसमें, नीचे से बढ़िया नहीं। एक बार बैठ तो सही है, ऐसा लग रहा गद्दा बिछा रखा है नीचे कुछ मुलायम मुलायम घास है, अच्छा लग रहा है। अंदर गर्मी हो रही यार इसके ना, गर्मी हो रही है, व्हील चेयर भी है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे बॉन फायर के लिए आग जलाई हुई है और यहाँ पे हम जलाएंगे जो अपना खाना है वो बनाने के लिए। तो ये जादू देख रहे हो मेरा, खतरनाक जादू ये। अब यहाँ पे हम इसके ऊपर से लकड़ियाँ लगाएंगे और यहाँ पे अलग से लकड़ियाँ जो बॉन फायर इंजॉय होता रहेगा साइड से। लाना चाहिए वो तो ऐसी चीज हो गई थी। तो भाई देखो यहाँ पे हमारे रोहित भाई काट रहे हैं प्याज, क्या स्पीड से काट रहे हैं भाई, जबकि हम रोज काटते हैं उसके बाद भी इतनी स्पीड नहीं है हमारी, कमाल का यार। सैप बना रखा है मेरे को आज इन लोगों ने, भाई सैप बनना पड़ेगा भाई, लेकिन बहुत मोटा मोटा काट रहे हो तुम। अरे ये तो पकेगा ना ग्रेवी पे, इसकी ये भी निकाल देना यार, ये परत ही रोहित ये निकाल देना भाई। आवाज सुन, आवाज काटना मत देख, आवाज सुन कितनी जोर से आ रही है कुनाल कोई कील ठोक रहा है क्या रात में इतने जंगल पे? जंगली जानवर भाग गए होंगे सारे, डर के मारे भाग गए हैं रोहित, सब भाग गए होंगे डर के मारे इतनी जोर से आवाज आ रही कटिंग की। राहुल दादा की पचान दो बाकी होंगे करनी। तो यहाँ पे देखो हमारे रोहित भाई कुक है, मेन कुक आज, और राहुल भाई गार्ड है उनके, सेफ्टी प्रदान कर रहे हैं उनको यहाँ पे। भाई आग तो जला लो, इसमें आग तो है ही नहीं, यहाँ से ऑयल गर्म होगा इतनी जल्दी फिर। और यहाँ पे बॉन फायर, ओहो बॉन फायर तो खत्म हो गई भाई। और ये है दीपांशु भाई, फूकी जाएगी बॉन फायर। और यहाँ पे ये अपना टेंट लगा हुआ है, चलो भाई चलो बनाओ बनाओ फटाफट बनाओ, चलो भूख भी लग रही है भाई, आज तुम लोग बना के खिलाओ भाई हमें। ऑयल तो गरम होने दो, अरे ऑयल तो हो जाएगा, आग जलाओ ना। पुदीना, पुदीना ले लो, रोही स्पेशल चिकन, उनको छोड़ दे मसाला का, ये भी छोड़ दे, इसको रख दे हल्दी है। आखिरकार अपने हाथ में बागडोर संभालनी पड़ती है, मुझे आना ही पड़ा लास्ट में दीपक को, लास्ट में मुझे आना ही पड़ा भाई। देवता खड़ा मसाला डालते हुए तो बैठ गया, बस 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 खड़ा मसाला जल जाएगा, मसाला ये सोच रहा था भाई ये लोग बना के खिलाएंगे, कहाँ से खुद ही बागडोर संभालनी पड़ रही है रोहित भाई के साथ।
रोहित भाई भर लग गया रहने भाई, प्याज से फुल हो गया, पता नहीं इसमें चिकन कितना आएगा, आएगा या नहीं आएगा। यार मेरी समझ में नहीं आ रही, यही पे बॉनफायर जला दिया हमने, यहीं पे वो बना दी भाई, मन में लगा वहाँ से पोटली उड़ गई आई इसलिए इसमें बैठ गया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, चिकन ही तो बनाना है। चिकन ही तो बनाना है। मिक्स हो जाएगा, चलेगा, जंगल में सब चलता है। अच्छा नमक में से डालो, नमक में रुक जा, इसको होने देना थोड़ा सा, होने दे इसको थोड़ा, डालो चिकन मसाला, एक काफ़ी होगा यार, दो तो नहीं डालने की मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा मसाले भी है ना यार, रोहित एक्स्ट्रा मसाले भी हैं घर में, तो टमाटर नहीं है ना, उसको फ्लेयर मारेंगे चिकन मसाला का अपने फ्लेयर का। अरे यार टमाटर तो भूल ही गए, फिर टमाटर हमेशा ही भूल जाते हैं। चिकन मसाला एक काफ़ी होगा मेरे हिसाब से, तो यार दोनों डाल दें फिर, हाँ डाल दो ना, प्याज डाल दी तकड़ी जमीन में, अरे निकल ही नहीं रहा भाई, ये पता नहीं ये खाए का पेस्ट है, मुझे तो मुर्गे का पेस्ट लग रहा है। इसमें लिखा होगा ना क्या है, पहले से फ्लेवर दिया गया है ना। ये बाहर थोड़ा सा प्याज बाहर कूद जा रहा है, और इसलिए तो भजाली थोड़ी छोटी कर दी है। ये देखिए गाइस, प्याज एकदम मिक्स हो चुका है मसालों के साथ, एकदम आपस में मिल चुका है। चिकन डाल देते हैं यार इसमें, बहुत बहुत देर से पक रहा है भाई ये, छोड़ छोड़ जरा छोड़। ये कीड़े भी घूम रहे हैं, कीड़े भी घुस जाएंगे इसी में, कोई नहीं एक तो फ्राई होगी ये। हल्का लगेगा यार जी, मानते हो तो मुझे लग रहा है कि डजेगा ऐसे ही। निकास हो चुका है, हो गया पूरा, बनने दे थोड़ी देर इसको पकने दे ऐसे ही, उसके बाद इसमें पानी ऐड करते हैं, तब तक चिकन भी अपना पानी छोड़ देगा ना इसमें। हो गया क्या है? अरे मैं तो इसमें डालने की कह रहा था यार, ये तो पकी गया है, पक गया, टेस्ट तो करो, मसाले डालना ऊपर से, इसमें मिक्स करो, मिक्स करो ना इसमें भयंकर, दिख रहा है। अभी हमारे रोहित भाई ने आग में भून रखा है चिकन, और उसमें मिक्स कर दिया है प्याज, जो भुना हुआ प्याज था, टेस्ट बताएं कैसा है? ठीक है, थोड़ा बढ़िया बढ़िया, भुने हुए चिकन का तो पता नहीं, लेकिन जो प्याज है उसका टेस्ट बढ़िया, प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। मिर्च बहुत तेज है, हाँ दो तीन किलो है, हमारा चिकन तो बन गया। अरे भयंकर अभी मुंह में लग गया था, ये चिकन बन गया, चावल बनाने की तैयारी चल रही है, ये पानी गर्म कर लेते हैं भाई, बाल भी जल जा रहे हैं यार, चूल्हा थोड़ा सा छोटा हो गया, और चिकन बना दिया है वो साइड पे निकाल दिया मैंने, चिकन बना के बनाते चावल फटाफट खाते हैं सुलाते, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ऊपर से नीचे तक पूरा खन जा रहे, दो डाइट फुल दो हाफ।
ये क्या शेर गुर्रा रहा है क्या? आसमान वार्निंग दे रहा है, जल्दी से आसमान गुर्राने लग गया, जल्दी से अपनी कैंपिंग कर लो बल। हाँ यार रात में अगर बारिश आई तो मजा ही आ जाता है। उड़ा लू चावल, देखो ना उधर पे कितनी गहराई में है। चावल तो बहुत गहराई में है भाई, मौसम का कोई भरोसा नहीं, आजकल के मौसम का कोई भरोसा ही नहीं होता है। पता चला रात में यहाँ बिफोर जोय आ गया तो जोय जोय कर देगा फिर। दे दे दे। गाइस ये देखो नंदन बिलचा, नंदन बिलचा, गाइस को आदत है नंदन बिलचा देखने की। यो नंदन में वो मित्र ये कल्लू दिखा रहे हैं जादू, बिपोर जो है पैदा कर देंगे यहाँ पे आग में। अल्ले यो गड़गड़ भड़बड़ होने अब मोह होने पड़ गया। अल्ले थोड़ी देर पहले थोड़ी देर में इतना मुनी मल्ली हो पड़ जाए। चलो खाना डालो फटाफट, भूख लग रही है बहुत तेज। ये भाई तितली उड़ रही है, हाँ ये घुस जाएगी इसमें भाई, चिकन के साथ इसका भी मिक्स हो जाएगा सूप। मैं कह रहा था ना स्लिप कर जाएगा सर के फिर। गुजिया किसने बनाया? रोहित ने। आधा बराबर लगा हुआ है, सबने बराबर बराबर योगदान दिया है इसको बनाने में, और खाना बहुत ही टेस्टी हो रहा है। वो तो वीडियो में पता लगेगा किसने किसने वो दे रखा है, ठीक है। देखने में तो लग रहा है कि टेस्टी हुआ है। इसको साइड पे रखो राहुल भाई, इधर। अरे पूरा डाड़ू इसके अंदर घुस गया भाई, इसको निकाल के इसके ऊपर रख दे तो। प्लास्टिक देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है यार। कैसा भाई नमक मिर्च कच्चा प्याज काटा नहीं, अब खाओ चुपचाप से भाई, भूख लग रही है, नींद भी लग रही है। टाइम देख रहे 11 बजे 12 बजने वाला है। घाट में जालाक नौरे भात भाग के जाए सुनने। मजा आ गया यार, बहुत बढ़िया है यार ना रोहित। ये बंदा रखा है सबने हाथ लगाया ना तब। चिकन आग में बनाया हुआ वैसे भी टेस्टी होता है यार। भिंडा मैं तो ऐसा करता हूँ, जब ले पाल्टी भिंडा है तार पकड़ी हो चिकन में तो डाला उसके अंदर बस जला के बनाओ। मैंने भी कई टाइम से बारबेक्यू नहीं बना रखा है, बहुत जल्द बारबेक्यू भी बनाना है। तो चलिए फिर फटाफट खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। खाना खाने के बाद थोड़ी सी स्प्राइट। हाँ अब भाई 12 बजे का साइलेंस एंजॉय करो थोड़ी देर। धरती रुक रही है, धरती रुक रही है। क्या कह रहे हो भैया, नया निकला ये थोड़ा नया था। ये क्या था मतलब धरती रुकेगी अब तो अंधेरा हो गया बहुत। 12 बज गए भाई, रात के अंधेरा नहीं होगा तो क्या होगा, अब तो उजाला होने वाला टाइम है। ये मॉर्निंग यहाँ से हल्की हल्की शुरुआत हो जाती है। मॉर्निंग रोहित भाई मिड नाइट चल रही है। कहाँ से आएगा तो अब तो घर को चल लेगा। अब तो घर जाने का टाइम हो गया। अगर बारिश होती तो मजा आता, लेकिन बिजली तो चमक रही है, कोई तो फ्लैश लाइट चमका रहा है यार, लाइट फोटो खींच रहा है शायद, कल सुबह कहीं अखबार में ना दिख जाए हम। भाई पोस्ट दे फर्स्ट पेज फोटो खींच रहा है।
डाकती है कि ना ऐसे। खाना खा के तो मज़ा आ गया ना, अब नींद आ रही यार, लेकिन सो जाते हैं क्या। हैवी हो गया ना चावल, हो गया चावल अलग ही हुआ। थोड़ी देर एक राउंड मारे कैसे दौड़ते दौड़ते, हाँ खाना पच जाएगा, पच जाएगा। ढक्कन दे, सोने के लिए, सोने के लिए। तुम लैपटॉप ढूंढने जा रहे हो? वो लैपटॉप वहाँ बैठे पड़े हो। अब सुन रहे मार ला भाई, देखते हो? छोड़ यार, ऐसा जब लैपटॉप दिखने वाला होता तो हो गया था फिर तो। यहाँ दीदा सुंगर कहाँ हुए, चल गए हैं ऐसा। सुअर माने सुअर का मीट खाएगा तू अब है? कितने बुरे दिन आ गए तेरे, अभी चिकन खिला रखा है फिर सुअर की बात कर रहा है दीपांशु। आग सेक रहे थे हम लोग, और आग सेकने के बाद अब आ रही है नींद, तो फटाफट से बिस्तर लगा के सो जाते हैं। और भाई कीड़े भगाने हैं यार, कीड़े अंदर घुसे हुए हैं बहुत सारे। ओए चल बाहर निकल, बाहर जा। अरे कहना नहीं मान रहे यार, ये तो मेरे टेंट में घुसे पड़े हैं भाई। अरे जिस जिसको सोना है चलो, तो सो रहा हूँ टेंट के अंदर। छुरी, छुरी कहाँ से ले आए, कहाँ कोई है? छुरी अंदर ले क्या, तो बहुत हो रही है अभी तो। दो और आ जाएंगे। अरे यार दो अब नहीं आएंगे, अब दो नहीं आ पाएंगे क्योंकि बैग है। तो बहुत समय मॉर्निंग। तो अभी भाई मौसम तो बहुत ख़राब है आज का, तो सुबह सुबह मैंने आग भी जला ली है और गीली लकड़ियाँ थी कल शाम की जो आग थी वो बची हुई थी थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से सारी लकड़ियाँ जल गई हैं। आज लगता है मौसम ख़राब ही रहेगा पूरे दिन भर, और बारिश भी हो सकती है। हालात कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं, सब लोग सोए हुए हैं अभी। ये देखो वेदर कुछ इस तरह से पूरा क्लाउडी, लो भाई हिरन की आवाज भी सुनने को मिल गई अब तो। सामने कोहरा लग रहा है, ये यहाँ पे है हिरन, यहाँ पर है सामने भाई। हिरन के पीछे कुछ ना कुछ तो पड़ा हुआ है, उसकी भागने की आवाज़ और उसकी जो चिल्लाने की आवाज़ वो काफ़ी तेज है।
और उस साइड पर चिड़ियाँ भी चिल्लाने लग गई हैं, अब चिड़ियाँ भी चहचहाने लग गई हैं बहुत जोर जोर से। तो देखो यहाँ पे हमारी पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है और यहाँ पे चाय बनाने की जुगाड़, देखो हवा इतनी चल रही है चाय ऐसे बना रहे हैं, और महानुभाव लोगों ने टेंट पहले ही खोल दिया है पूरी पैकिंग कर ली है। देख लिया तुम चाय बन गई उमलने की नहीं हो, चाय पत्ती कौन बड़ी आदमी से आप चावन उन्होंने बैठे चाय पत्ती नहीं हाँ इलायची है खुशबू तो होने रखते की इलायची खित रहा है ना मैं खाली मुझे भी खित रखे हूँ इसे तीन चार गुच्छा पता नहीं जौंके कहने रहा है एक जैसे टाइम के बाद कितनी बन जानी है कितनी बन जानी मेरे को। लो भाई चाय हो गई एक्स्ट्रा, दूध बच गया इतना बहुत बहुत अरे बहुत है, एक और ले क्या जो चाय नहीं पीता है वो भी चाय पिएगा आज, क्योंकि रोहित भाई ने चाय बनाई है, नहीं तो रोहित भाई के चाय की बेइज्जती हो जाएगी। फुल मैं तो फुल करूंगा मैं तो फुल बेइज्जती करूंगा बेइज्जती नहीं। राहुल भाई बैठो यार इधर बैठो हम से बैठो सीधे नहीं हो चिड़िया खेत से चाय की बेइज्जती चिड़िया खेत से किसी को नहीं ऐसी बात नहीं, ये ढक्कन लियो अरे ढक्कन ही लग रहा कप में पिएंगे चाय बढ़िया चाय कप में पियो प्लेट पे जेस करते हुए मुंह में लगाते ही बढ़िया रही है पीते हुए कैसी रही पास फेल आ गया ना पास फेल आ गया पता करो पास होगा फेल होगा ब्लॉक क्या होगा पास होगा क्या ये ब्लॉक पास होगा गैस भरवानी पड़ती है या अलग से पूरा डब्बा आता है जाओ ना भर उन्हें गैस लाइट बता के जाना बुक करा दे बुक करा दे